नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में गूगल पे से किस टाइप से आप अपने दोस्तों के साथ पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपके पास में गूगल पे का अकाउंट होना चाहिए। अगर गूगल पे का अकाउंट नहीं है तो आपके पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। नंबर वन, बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे किसी भी बैंक में आपका खाता हो सकता है। नंबर टू की बात करें तो मोबाइल नंबर वही आपके पास होना चाहिए जो आपके बैंक से लिंक हो। और नंबर थ्री की बात करें तो आपके पास एक एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड होना चाहिए जो उस बैंक ने आपको प्रोवाइड करवाया है। दोस्तों, अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास है तो आप अपना गूगल पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किसी भी मित्र को, किसी भी दोस्त को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। मान लेते हैं कि अब आपके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध है और आपने अपना गूगल पे एप्लीकेशन का अकाउंट बना लिया है, तो सबसे पहले अब कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा, वही हम यहाँ पे जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको पेमेंट मोड पे क्लिक करना है और वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास किसी भी टाइप का कोई कॉन्टैक्ट पहले से शो है या फिर सेव है तो आप उसको पैसा भेज सकते हैं। अगर आपके पास होम स्क्रीन पे कोई भी पेमेंट शो नहीं कर रहा है, किसी को आपने पहले पैसा नहीं भेजा है, तो आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे फिर से आपके सामने खुल के आ जाते हैं। उन दोस्तों ऑप्शन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपके पास मोबाइल रिचार्ज का नंबर वन पे ऑप्शन आएगा। आप किसी भी मोबाइल रिचार्ज वहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का वहाँ पे मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में बिल पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा, यानी कि कोई भी टाइप का बिल, या आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप LIC सभी पे कर सकते हैं। उसके थर्ड नंबर पे दोस्तों जो आएगा वो आएगा बैंक ट्रांसफ़र, क्योंकि हम इस वीडियो में बैंक ट्रांसफ़र के बारे में जान रहे हैं तो बैंक ट्रांसफ़र पर आपको क्लिक करना है। और बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी कि किस टाइप से आपको IFSC कोड वहाँ पर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है और उस कस्टमर का नेम डालना है, या फिर आप फ़ोन नंबर से भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर बैंक डिटेल एंटर करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें मशक्कत आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ईजी गोइंग, आप समझ पाओगे, सीख पाओगे। यहाँ पे अगर बात करें तो थर्ड स्टेप की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल में आपको सबसे पहले अकाउंट नंबर डालना होगा, फिर से आपको री एंटर्ड अकाउंट नंबर डालना होगा, यानी कि जो अकाउंट नंबर पहले डाला है उसी को फिर से आपको दोबारा अकाउंट नंबर को डालना होगा। दोस्तों अगर आपका अकाउंट नंबर गलत हो रहा है तो फिर आप उसको दोबारा डालेंगे तो वो आपको गलत मिसमैच बोलेगा, और मिसमैच बोलने से आप 100% अपना पैसा सही खाते में ट्रांसफ़र कर पाओगे। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन होता तो फिर दिक्कत हो सकती थी। उसके बाद दोस्तों आपका IFSC कोड डालना है। IFSC कोड आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद रिसिपिएंट नेम होता है। दोस्तों रिसिपिएंट नेम में मैं आपको बता दूँ कि आप वहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, अपने नाम कोई ज़रूरी नहीं, एग्जैक्टली अपना निकनेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अमाउंट टैप करना है। यहाँ पे दोस्तों कितना अमाउंट आपको उसको भेजना है, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, जो भी अमाउंट हो उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। अमाउंट को एंटर करने के बाद दोस्तों वहाँ पे दिया हुआ है नीचे की, मतलब किस टाइप से आप उसमें कुछ भी लिख भी सकते हैं कि ये किसके लिए आप पैसा भेज रहे हैं, किस कारण के लिए पैसा भेज रहे हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है और उसको कंटिन्यू करना है। दोस्तों ये सब करने के बाद आपके पास में बैंक अकाउंट डिटेल आएगी, यानी कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट उसमें लिंक है वो सभी की डिटेल वहाँ पे आएगी। आप किसी भी बैंक खाते से पैसा भेज सकते हैं और प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों वहाँ पे UPI जो पिन है वो वहाँ पे मांगेगा, और अगर आपका SBI है तो 6 डिजिट का UPI पिन होता है जो आपको याद रखना होता है। दूसरे बैंक अगर आपके पास है तो वहाँ पे 4 डिजिट के UPI पिन होते हैं, वो आपको याद रखने होते हैं। वहाँ पे आपको UPI पिन एंटर करना है, और जैसे ही आप वहाँ पे UPI पिन एंटर करते हैं उसके बाद फिर से टिक पे क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करने के बाद आप अपने नेक्स्ट पेमेंट मोड में चले जाएंगे और आपका पेमेंट विद इन ए सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट प्रोसेसिंग वहाँ पे ज़रूर दिखाएगा, लेकिन उसके बाद वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल आपका इसी टाइप से हो जाएगा। और अगर अभी वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसी टाइप से इंटरेस्टिंग रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।